नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी एस्ट्रो आंटी और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपकी राशि का हाल हम आपको हर रोज बताते हैं, लेकिन आज बात करनी है स्पेशल, कुछ खास। ये तो आप हम सब जानते हैं कि दीपावली का पावन त्योहार निकल चुका है, लेकिन इसके साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास का आज दशमी है, लेकिन कल एकादशी है। कल कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं है, साल की बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी है, जिसे कहते हैं देव उठावन एकादशी यानी तुलसी विवाह। उससे जुड़े कुछ खास अचूक उपाय और आपकी बारह राशियों का हाल। तो चलिए शुरू करते हैं खूबसूरत सवाल। लेकिन हो सकता है आपके मन में भी कोई सवाल, दुविधा या परेशानी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तुरंत मुझे कॉल कीजिए। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि की अगर बात की जाए तो भागदौड़ बनी रहेगी, मन को शांत रखना होगा आपको, क्रोध बिल्कुल भी ना करें आप तो बढ़िया रहेगा। पूरा दिन अपने पास नींबू रखना आज आपके लिए अनिवार्य है। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि कल तुलसी विवाह है। लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं कि संडे वाले दिन तो तुलसी को छूते नहीं है, तुलसी विवाह नहीं करते, तो कायदे से तिथि को अगर देखा जाए तो तुलसी विवाह तो कल ही है। आप चाहें तो मंडे भी कर सकते हैं, अगले पांच दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन तिथि के हिसाब से एकादशी का अगर आपको व्रत रखना है तो वो आप कल ही रखेंगे। 365 बत्तियां कल आप जलाएंगे और किसी भी कन्या का कन्यादान करना चाहे तो कर सकते हैं। और कल ही के दिन से शुरू हो जाता है बहुत खूबसूरत सा सफर, शादियों का सफर। चलिए हम भी राशि को आगे बढ़ाएंगे और अगली राशि की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि, क्या कहते हैं वृषभ राशि के सितारे। वृषभ राशि वालों, अगर आपकी बात की जाए तो मैं बता दूं, व्यस्त रहेंगे, काम में अचानक आपको अड़चने आ सकती हैं, आपको काम में सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। आज मंदिर जरूर जाएं आप तो आपके लिए दिन फेवर में रहेगा। और आपको भी 365 जो दीप होते हैं वो जरूर जलाने हैं। आप क्या करें, 365 बत्तियां एक साथ ले लें, उन बत्तियों को लेकर आप एक दिए में लगाकर जला दें ताकि आपको 365 दिए इकट्ठे करने की जरूरत ना पड़े। सफर को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मिथुन राशि। मन परेशान रहेगा किसी ना किसी बात को लेकर, निवेश ना करें, यात्रा टाल दें, काला धागा हाथ में या गले में धारण करें तो आपका दिन खूबसूरत हो सकता है। आपको भी 365 दीप जो है जलाने हैं, यानी 365 वाली बत्तियां लेकर एक दिए में रखकर घी के साथ गणपति के आगे जलाने हैं ताकि राहु आपको तंग ना करे। चलिए उपाय की बात करते हैं। कल है तुलसी विवाह, हम तुलसी विवाह के उपाय इसलिए आपको आज बता रहे हैं कि कल हमारा प्रोग्राम संडे वाले दिन जाता नहीं है और संडे वाले दिन बहुत सारे लोग जो है तुलसी विवाह ना करके मंडे कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि हम आपको प्रोग्राम एडवांस में इसलिए बताते हैं कि तैयारियां कर लें। आपको कल तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी दल के साथ भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा भी जरूर करनी है, इसके आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और एक बात आपको बताऊं, आप एक छोटा सा शालिग्राम ब्लैक कलर का जिसे विष्णु का रूप कहा जाता है आज खरीद लें और कल कुछ पैसों के साथ पान के पत्ते पर रखकर ब्राह्मण को भेंट स्वरूप जरूर दें, इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका सफर चाहे जितना भी खराब जिंदगी का अब तक रहा हो आप सही रहेगा। चंडीगढ़ से जुड़े हमारे पहले कॉलर सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरी आवाज मिल रही है? पूजा जुड़ी है, पूजा स्वागत है। जय माता दी। मेरा बच्चा थोड़ा ऊंचा बोलो। पूजा मैं सुन नहीं पा रही आपको। बेटा बर्थ है 1/11/1992 जी। और टाइम? 7:37 सुबह के शाम के। सवाल जी, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। शादी 2016 में होगी और कष्ट के साथ होगी, अभी शादी के योग कहीं दूर तक दिखते नहीं है। अरेंज लव होगी तो चलेगी ही नहीं और लव के लिए घर वाले मानेंगे नहीं। चलिए हम देखते हैं हमारे साथ हमारे अगले कॉलर कौन है। आप भी हमें लगातार कॉल कर सकते हैं, कॉल्स फोन लाइंस ओपन है। सीमा जी स्वागत है। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैम मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बच्ची का नाम? मानसी बंसल जी। और डेट ऑफ बर्थ? 12 फरवरी जी 1992 जी। और टाइम? 3:22 दोपहर। सवाल? मैम शादी कब तक होगी? 92 बॉर्न है, शादी कब तक होगी?
शुक्र राहु के साथ सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है। राहु की माँ दशा, शनि की अंतरदशा चल रही है। कृतिका नक्षत्र में पैदा हुई है। वृषभ आपकी बच्ची की राशि बनती है जी। अच्छा सवाल है, विदेश में शादी हो सकती है, विदेश जा सकती है। शादी के बाद इसका शादीशुदा जीवन मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कुंडली मिलाए बिना, राय लिए बिना शादी मत करिएगा। अगले साल होगी शादी। स्वागत है आपका कमल जी। मैडम जय माता दी। बिल्कुल जय माता दी, बताइए डिटेल्स। मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 28 सितंबर जी 1954 जी, मंगलवार जी। टाइम रात को 10:10 पे जी। सवाल मैडम जी, मैं पिछले 2-2.5 साल से बहुत खाली हूँ। मेरा बहुत अच्छा काम था, हजारों की कमाई थी महीने की, लेकिन बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। किस चीज का काम था आपका? मेरी गाड़ियाँ थी स्कूल में लगी हुई थी। तो आप वापस कोशिश क्यों नहीं करते उन्हें लगाने की? जाता हूँ पर कभी स्कूल में कोई काम बन नहीं रहा। आप एक तो पन्ना रतन धारण कर लें, गणेश जी का बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दें, और एक ओपल रतन 5.25 रत्ती का धारण करें। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। महंगा ही पहने, अच्छा पहने, और जान पहचान कर और अभिमंत्रित करवा कर पहने तो अच्छा होगा। शोभित स्वागत है। शोभित लगता है आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही। जी शोभित, आप हैं मेरे साथ जी? बताइए डेट ऑफ बर्थ। 9/12/89 9/12/1989 टाइम 3:45 AM सवाल गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? कौन से सेक्टर में? अकाउंट। पहली बात तो आप मांग लेके हैं, आपकी तुला लगन की पत्रिका बनती है, और अगर आपकी राशि की बात की जाए, मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, शुक्र की मां दशा केतु, नौकरी लगेगी 12/6/2016 इंतजार कीजिए उसके बाद। पूजा जी स्वागत है। हेलो जी बेटा। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। मैम मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी मम्मी से कभी नहीं बनती और घर में हमेशा ग्रह कलेश ही रहती है, लेकिन इसके बाद भी दुनिया की हर औरत बेटा ही चाहती है। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 7/12/88 दिन बुधवार का और सुबह 10 बजे 8/12/88 और टाइम 7/12/88 और टाइम 10 बजे सुबह के दिन बुधवार। सवाल भाई की नहीं बनती है। शादी हो गई तुम्हारे भाई की? नहीं शादी नहीं हुई है, वो योगी नहीं बन रहे उनके शादी के, हम बहुत परेशान है, लड़की भी नहीं मिल रही। ना ही कराओ शादी तो अच्छा है, क्योंकि इसकी बीवी से भी नहीं बनेगी। मैं तुम्हें यहाँ ये बता दूँ, किसी और के घर की लड़की की भी जिंदगी खराब करने का कोई फायदा नहीं है। शादी के बाद इसे तुरंत अलग कर देना, माँ से इसकी कभी नहीं बनेगी, ये बात समझ लो। और जो है पत्नी का ये जोरू का गुलाम होगा, लेकिन बावजूद उसकी इससे बनेगी नहीं। शादी के योग 2017 में दिखते हैं, उससे पहले दिखते ही नहीं। एक उपाय ताकि माँ के साथ इसके रिश्ते अच्छे हों, माँ से कहो उसको चांदी का कड़ा पहना दे। चलिए सफर की बात करते हैं वापस से, और बात करते हैं कर्क राशि। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा चिंता दे सकता है आज आपको। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, दही खाकर काम पर जाएं। दाम्पत्य जीवन इसलिए सुखी रहेगा, चाहे बच्चे कई बार बीमारी हो जाएं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इस बहाने दादाजी पापा और भाई मामा जी सब घर आ जाते हैं। जेंट्स घर में बिना छुट्टी के रहें तो किसको अच्छा नहीं लगता है ना, लगता है ना, तो बस वही सुखद आज आपको महसूस होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। व्यवसाय में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है, शत्रु आज आप पर हावी होंगे। मैं किसी को अपना शत्रु या अपने आप को किसी का शत्रु नहीं मानती, हम खुद अपने शत्रु सबसे बड़े होते हैं, तो आप भी किसी को शत्रु ना माने, धैर्य से काम लें। आज संतरे का दान मंदिर में जरूर करें और दीप दान करें, क्योंकि 5 दिन है ये दीप दान के। अगली राशि का रुख करेंगे जो है कन्या राशि। मन उदास रह सकता है, क्यों कन्या राशि वालों? मन छोटी सी ये जिंदगी ना जाने ऊपर वाला डोर कब खींच ले, तो मुस्कुराते रहें। अपनों की याद आ सकती है, भावुक रहेंगे आज, बाल बिल्कुल भी ना काटें आप तो बेहतर होगा। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उपाय की। कल बहुत खूबसूरत साल में एक बार होने वाला तुलसी विवाह, कल विष्णु भगवान सोकर उठेंगे, देव उठावन एकादशी है। बहुत सारे लोगों की कल शादी भी है, तो जिनकी शादी है उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, करिए ये उपाय। कल आपको घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना है, जैसी भी तुलसी हो जरूर लगाएं, श्यामा रामा। और याद रखिए तुलसी जैसे जैसे बढ़ेगी आपके परिवार की तरक्की भी वैसे वैसे होगी, उसकी एक बच्चे की तरह सेवा कीजिएगा, सर्दी में उसे स्वेटर भी जरूर पहनाएगा। ये था आपकी राशियों का हाल। चलिए प्रभा के साथ जुड़ते हैं। प्रभा बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। हाँ अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी शादी के बारे में डिटेल्स। उसका 11/11/1990 रात 10 बजे का जन्म है।
मुझसे एक माँ ने पूछा कि उनके बेटे की शादी नहीं हो रही, तो मैं आपको बता दूं शादी के आपके बेटे के पूरे योग बने, कभी भी हो सकती है इसकी शादी, और ये किसी से करता है प्यार तो देखिए झांचिए और कुंडलियां मिलवाकर शादी कर दीजिए। चलिए सफर को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि, मानसिक शांति मिलती हुई दिखाई दे रही है आज आपको, कार्य पूरे होंगे आपके, झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। आज लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं, आप उसमें अच्छे भी लगेंगे और तिलक लगाना बनता भी है। कार्तिक मास शनिवार का दिन खूबसूरत, आज पीपल का पत्ता अपने पास जरूर रखें और पीपल के पेड़ पर दिए जरूर जलाएं। अगली राशि का रुख करते हैं जो है वृश्चिक राशि। खर्चा बढ़ता दिख रहा है, यात्रा से लाभ होगा, परिवार में मन मुटाव हो सकता है। आज बच्चों को मिठाई जरूर बांटें आप, और बच्चे में अपने बच्चों की बात नहीं कर रही, ऐसे बच्चे जो मजदूरों के बच्चे हैं जिन्हें मिठाई नसीब नहीं होती। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं धनराशि की। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, मन प्रसन्न रहेगा, बच्चों को सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आज दूध का दान मंदिर में आप जरूर करें, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी आपकी। तो चलिए उपायों की बात कर रहे हैं। कल है तुलसी विवाह, तैयारी करनी है सब आपको, आज क्या करें उपाय। आज घर मतलब कल जब विवाह का समय हो, कल एकादशी हो, सबसे पहले तो व्रत रखिए, इसमें अन्न नहीं खाते, आपको आलू खाने हैं, शाम के समय एक समय नमक खाकर आप आलू खा सकते हैं। कल आप पति पत्नी दोनों तुलसी के सामने एक दिया जरूर जलाएं, इससे आपका प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे की गलतियों के लिए एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए कल के दिन, और एक जादू की झप्पी देकर अपनी नई जिंदगी का सफर कल से शुरू कीजिए। चलिए त्रिलोक जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम जी नमस्ते जी। जय माता दी, मेरा बच्चा बताइए। हाँ जी, मेरा जन्म तिथि है 22/10/1972। 22/10/1972 जी मैम जी। रात 10:45 सवाल। मैम जी मैं बहुत परेशान हूँ, 2-3 साल से मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, कोई कैटरिंग वेटरिंग का काम था मेरा। कैटरिंग का काम था, बहुत परेशान है, कैटरिंग का काम चल नहीं रहा। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कैटरिंग का काम करना भी नहीं चाहिए। जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम इस वक्त आप कर सकते हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ स्टेशनरी खोल सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम कर सकते हैं, कमीशन का कोई काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। सुमन जी स्वागत है। स्वागत है गुरु जी। राधे राधे जी। राधे राधे बताइए। गुरु जी मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, मुझे मेरे बेटी के बारे में पूछना है। पूछिए। 13/85 टाइम 6:15 शाम को सूरत। सवाल। गुरु जी शादी को 1.5 साल हुआ है, मेरा जीवन बहुत खराब है, चलेगा कि नहीं चलेगा? शादी को 1.5 साल हुआ है, क्या खराब है? पति पत्नी के कुछ बनता नहीं है, हमने मांगी लड़की से शादी कर दिया। सही में टिपिकल इंडियन मदर हैं आप। देखिए वो लड़की मांगली के इसलिए बन नहीं रही, क्या सच्ची सिर्फ यही एक रीजन है? ये रीजन हो सकता है कुंडली के हिसाब से, आप सही भी हैं, लेकिन मैं मान ही नहीं सकती कि एक इंसान थप्पड़ मारता रहे सामने वाला खाता रहे कब तक। आपके बेटे में भी कमी दिखाई देती है, ये कुंडली के हिसाब से सूर्य बैठा हुआ है आपके बेटे के सप्तम भाव के अंदर। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, 16/7/2016 से शायद इनका डाइवोर्स ही हो जाएगा। तो बेहतर है दोनों को बिठाकर प्यार से समझाएं, और सास समझदार वही जो बेटे में कमी निकाले बहू में नहीं। संगीता जी स्वागत है। पति के बारे में पूछना है जी। पूछो मेरा बच्चा, डिटेल्स बताओ। 20/7/1974 टाइम। टाइम नहीं पता मैम। सवाल। उनकी और मेरी बिल्कुल बनती नहीं है। बहुत बढ़िया। कितना टाइम हुआ शादी को? 13 साल हो गए। 13 साल बाद नहीं बन रही है, बनवास भी 14 साल का था। कितने बच्चे हैं आपके? मैडम 2। आपकी बात नहीं मानते होंगे ना वो? नहीं। 90% महिलाओं का यही कहना है, शायद मैं भी अपने घर जाकर यही बात कहती हूँ। पति हमारी बात माने उसके लिए जरूरी है कि कुछ बातें उसकी हम माने। आपको पता है महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ताने देना। महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि कमियां निकालना। क्या आपने कभी अपने पति को किसी चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं? कभी उनकी तारीफ करी है? कभी उन्हें कुछ अच्छा कहा है? नहीं, ऐसा नहीं किया। हमेशा उंगली टेढ़ी कर घी नहीं निकलता, उंगली सीधी कर भी घी निकल सकता है मेरा बच्चा। एक तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करो, और माँ कम और बीवी ज्यादा बनने की कोशिश करो। और जब अब ये बात रही एक एडवाइस आपको, ज्योतिष उपाय, शिव की पूजा करने से पति के रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन याद रखना सबको शिव की पूजा, भोलेनाथ बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, सबको भोलेनाथ चाहिए। सब पार्वती को भूल जाते हैं जिसने करोड़ों साल तपस्या कर भोलेनाथ को पाया था। क्या तपस्या कर रही है आप अपने पति के लिए, सोचिएगा जरूर। अक्षय जुड़े हैं हमारे साथ। अक्षय जी बहुत बहुत स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। मेरी जन्म तारीख 31/10/20। सवाल ये मैडम, मेरे लोग लगातार पिछले 3 साल पहले गोल्ड कुंडन ज्वेलरी का काम करता हूँ। मेरा बिजनेस बॉम्बे में था, उधर 3 लाख रुपए का पहले लॉस लगा, फिर अभी 1 लाख रुपए और लॉस लग गया।
मतलब कैसे नहीं कहते, 3 महीने 4 महीने इतना जबरदस्त बनता है कि लाखों रुपए 1 महीने में कवर हो जाते हैं, फिर अचानक इतना लॉस लगता है कि मैं एकदम नीचे आ जाता हूँ। एक तो जो कमाते हो, जो बातें बोलते हो वो सबको बताना बंद कर दो, एक ओपल की अंगूठी जरूर पहन लो, और दूसरी बात लॉस लगता है तो अपने भगवान किसी को पार्टनर बनाओ, कुछ अच्छे काम करो, जैसे तुमने कुछ भी कमाया किसी गरीब कन्या की शादी कर दो, किसी की पढ़ाई का खर्चा उठाओ, बात एक ही है किसी की बीमारी का खर्चा उठा लो। तो अगर जीवन में इंसान बनकर आए तो वो जीना ही क्या जीना जो औरों के लिए ना जिए। अब पूरी जिंदगी औरों के लिए मत जियो भाई, कुछ तो धर्म पुण्य का काम करो, पैसा उधर की जगह उधर लगेगा बल्कि बरकत बढ़ती जाएगी, क्योंकि किसी ने कहा खुदा मिले ना मिले पर नेकी जरूर मिले। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, गुड मॉर्निंग। जय माता दी मैडम। जय माता दी, गुड मॉर्निंग मैडम। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे जो है सन 1995 है, सुबह 6 बजे का टाइम है। 12th क्लास में पढ़ते हो तुम? हाई स्कूल में पढ़ता हूँ मैडम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे आगे पढ़ाई मतलब कैसी होगी, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा? तुरंत टीवी रख दो, तुम बिल्कुल पास नहीं होगे। आज के बाद टीवी मत देखना, फोन रख दो और टीवी से रिमोट बंद कर दो। ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं बच्चों के किसी भी सवालों के जवाब नहीं देती हूँ। शनिवार का दिन तुम्हें छुट्टी के लिए पढ़ने के लिए मिला, इस तरह के एस्ट्रो प्रोग्राम देखने के लिए नहीं मिला। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, लेकिन ग्रहों से हार मारकर आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा ये कार्यक्रम मत देखना और मुझे तो कॉल गलती से भी मत करना। अनुराग जी स्वागत है। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1974, टाइम 3:30 सुबह का। सवाल ये है मैम, मैं उसमें आर्मी में सर्विस करता हूँ, अभी इसको छोड़ के मैं दूसरा क्षेत्र चुनना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्यों छोड़ना चाहते हैं? बहुत अच्छा है ये क्षेत्र आपके लिए, आप छोड़ के चुनना चाहते हैं तो ये आपकी गलती होगी, मत करिएगा इसे। नहीं करा। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और राशि की बात करते हैं। मकर राशि, अधिकारी वर्ग से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आर्थिक स्थितियां सामान्य रहेंगी, धार्मिक कार्यों में समय देना होगा। आज काले रंग के जूते जरूर पहने आप, उसमें लगेंगे भी आप अच्छे, दिन भी बनता है भाई, शनिवार है। सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। व्यापार में लाभ, दान जरूर करें, पिता से अनबन, आज लाल फूल अपने पास जरूर रखें। याद रखिए जिंदगी खूबसूरत है और खूबसूरत बना सकते हैं इन 5 दिन में दीप दान कर। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, बचे हैं कार्तिक के 5 दिन, तो पुण्य कर लीजिए। आखिरी राशि मीन राशि, आय में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, किस्मत आज आपके साथ है। आज पीले रंग के वस्त्र धारण जरूर करें, जिस तरह से एस्ट्रो आंटी ने पीले कपड़े पहन रखे हैं, ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हम उपायों की बात करें, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार प्लस, मैं हूँ ज्योतिष आचार्य, टैरो कार्ड रीडर वाई राखी आपके साथ, और आपको बता रहे हैं कि तुलसी विवाह पर क्या करने हैं उपाय। आपको तुलसी विवाह पर कल के दिन अपनी सास ससुर के पैर जरूर छूने हैं, किसी नई शादीशुदा युवती को श्रृंगार का सामान भेंट स्वरूप देना, तथा आप सदा सुहागन रहे, क्योंकि कोई भी स्त्री संसार से सिर्फ सुहागन ही जाना चाहती है, और आपको सास ससुर के पांव हर रोज छूने चाहिए। याद रखिए जितना झुकेंगे फल उतने लगेंगे, और मत झुकिए, आज आप किसी के पांव नहीं छू रहे, कल आपके बच्चे आपके नहीं छूएंगे। अब तो क्या एस्ट्रो आंटी की लकी टिप का। लकी टिप में आंटी कहते हैं, आज शाम को 2 पानी वाले नारियल लेकर अपने सिर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जल प्रवाह कर दे, क्योंकि दिन है शनिवार का, किसी की नजर ना लग जाए आपको। फिलहाल दीजिए इजाजत, चलते चलते एक छोटा सा मैसेज, अगर आपको ये मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है जरूर देखिए, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी बच्चों के साथ ना देखें। हमारा मोटिव बच्चों को भटकाना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में नंबर अच्छे सिर्फ पढ़ने से आते हैं। ध्यान रखिए अपना।